हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। था कि लास्ट की वीडियो में आपने देखा कि अंडर वाटर माफिया ने लेमार को किडनैप कर लिया था और हमने लेमार को अंडर वाटर माफिया के पास से बचा के लेके आए। और हमें माइकल भाई ने कहा था कि उन्हें एक जिमी को गिफ्ट देना है एक सुपर कार, तो हमने लेमार को कहा था कि एक सुपर कार अरेंज करा दो। तो लेमार ने कहा है कि वो सुपर कार उसने अरेंज कर दी और वो शोरूम पर डिलीवर हो चुकी है, तो हमें शोरूम पर जाना है सिर्फ और जाके वहाँ से कार पिकअप करके सुपर कार और उसे माइकल भाई को डिलीवर करके आनी है। चलते हैं शोरूम की तरफ और देखते हैं शोरूम का सीन क्या है। हम बहुत टाइम से नहीं गए और हमने कहा है कि लेमार को शोरूम पे कुछ सिक्योरिटी अरेंज करी। लेमार ने कहा है सिक्योरिटी भी अरेंज हो चुकी है, तो जाके देखते हैं शोरूम का सीन क्या है। चलो चलते हैं शोरूम की तरफ। मैं आ चुका हूँ शोरूम की तरफ और देखते हैं यहाँ का क्या है सीन। और लेमार ने कौन सी कार मंगाई है जिमी के लिए, माइकल भाई ने जो बोली थी हमें। देखिए शोरूम की तरफ जो सिक्योरिटी तो अरेंज कर दी है लेमार ने, बॉडी गार्ड कुछ खड़े हुए हैं। ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, है सिक्योरिटी तो थोड़ा सेव रह गए हम। देखते हैं शोरूम का क्या सीन है। और यहाँ कार रिपेयर भी होने आ रही है, ये अच्छी बात है, तो यहाँ से भी हम कुछ पैसे कमाएंगे कार रिपेयर से भी। वो हमारे कुछ वर्कर्स है जो वर्क कर रहे हैं कार रिपेयर कर रहे हैं। अंदर चल के देखते हैं कितने कार से शोरूम में हमारी, 1 2 3 4 कार अभी है और कुछ कस्टमर्स भी है जो देख रहे हैं कार्स को। हमारे मैनेजर भी खड़े हुए हैं यही। और देखो ये मर्सिडीज जो लेमार ने मिली थी कुछ दिन पहले चलाने के लिए, वो भी उसने शोरूम के अंदर ही खड़ी करके रखी है। तो यहाँ रिसेप्शन पे बात करते हैं कितने कार्ड्स की डील हो रही है, कितने कार्ड कैसा बिक रहे हैं और जो जो सुपर कार है वो कहाँ रखे हैं इन्होंने। चलो मैंने बात तो कर ली है इनसे और इसने कहा कि अभी डील्स जो भी हो रही है वो स्लो स्लो हो रही है, वो स्लो स्लो बिक रहे हैं कार्ड्स। और उसने कहा है कि जो लेमार ने जो सुपर कार मंगाई है वो सुपर कार वहीं रखी हुई है जो अंदर सीक्रेट सीक्रेट एक गैराज है शोरूम में अपने कोने में। देखते हैं तो यहाँ देखो जो फरारी लेमार ने मंगाई है और ये बुगाड़ी हमारी जो वो है वो यहीं शोरूम में रखी हुई है। सब परेशान थे कि बुगाड़ी कहाँ रखी है, तो बुगाड़ी हमने शोरूम में रखी है, अगर कोई अगर बड़ी डील आ गई तो हम बुगाड़ी उन्हें सेल कर देंगे। चलते हैं ये फरारी लेके माइकल भाई के घर की तरफ। तो कितनी मस्त लग रही है फरारी पर, कलर डल लग रहा है मुझे। बाहर निकल के देखते हैं या फिर या लाइट्स ऑफ है, बहुत कलर थोड़ा डिम दिख रहा है। बाहर जल के देखते हैं, हाँ जैसा ही सन में आ चुके हैं पूरी कार चमक रही है पूरी रेड में, कितनी मस्त लग रही है कार। और हमारे जो बॉडी गार्ड्स के पास जो गन है वो एकदम नेक्स्ट लेवल गन है। गन को भी हमने बाहर से इम्पोर्ट किया है, एकदम एक्सपेंसिव गन्स है। और कार कितनी मस्त लग रही है हमारी फरारी। चलो हम माइकल हमारी नहीं माइकल भाई की है, माइकल भाई ने जो जिमी के लिए मंगाई, चलो जाके हम डिलीवर करके आते हैं इसे माइकल भाई के पास। चलो चलते हैं माइकल भाई के घर की तरफ। कितनी मस्त लग रही है यार कार, कितनी स्पीड जा रही है। इतने में ही ये डी क्रॉस कर चुकी थी तो मतलब हम स्लो स्लो चला के ला लिए माइकल भाई के घर की तरफ आ चुके हैं। तो माइकल भाई को डिलीवर कर देते हैं कार और माइकल भाई क्या बोलते हैं देखते हैं कार के बारे में, माइकल भाई को पसंद आती है या नहीं। चलो आ चुका हूँ माइकल भाई के घर के अंदर। तो मैं साइकिल खड़ी हुई जिमी की, जो जिमी साइकिल पर फिरता है अभी भी। तो माइकल भाई ने एक अच्छा डिसीजन लिया, माइकल भाई ने अच्छा डिसीजन लिया है जिमी को कार दिलाने का। चलो हम वो साइड जाके इसे पार्क करते हैं और जिमी यही है। जिमी 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 तो सुन रहा नहीं रहा है कि, और जिमी को जब पता चलेगा ये कार उसकी है तो बहुत खुश हो जाएगा। हम यहाँ पार्क करते हैं और माइकल भाई को बुलाते हैं और बात भाई से पैसों की डील करते हैं, बात करते हैं। चलो धीरे धीरे से लूप पार्क कर देते हैं इसे पीछे के साइड पे। कार तो बहुत बेहतरीन है, एकदम किराक कार है। चलो कार तो पार्क में, माइकल भाई से मैंने बात कर ली है तो माइकल भाई को तो कार बहुत पसंद है। और माइकल भाई से बात कर रहे थे खड़ा था कि मुझे कॉल आया है, बात करता हूँ, शोरूम के मैनेजर का कॉल है। ये क्या, अभी आ रहा हूँ, रुको। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ,
फिर ये मसला कैसा हो गया। तो अभी मुझे ऑफिस के जो मैनेजर है उसका कॉल आया था कि उसने कहा है कि शोरूम पे कुछ ब्लास्ट हो चुका है। मैं बोला परेशान, आखिर ये ब्लास्ट किसने किया है समझ के बाहर है। तो चलते हैं शोरूम की तरफ, देखते हैं आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे है क्या है। चलो माइकल भाई जल्दी बैठो, शोरूम पे ब्लास्ट कर दिया है किसी ने। अभी तो लेमार को अंडरवाटर माफिया के पास से बचा के लेके आए, और फिर अब ये शोरूम पे ब्लास्ट किसने कर दिया पता नहीं। लेकिन देखते हैं शोरूम पे, और मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज भेजी है, वो देखते हैं आखिर। मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज भी देख ली और आ चुका हूँ शोरूम की तरफ। किसी ने धड़ धड़ बम फोड़ दिया है शोरूम की तरफ, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है, और वो आग बुझा दी भी है थोड़ी बहुत। वहाँ पर ब्लास्ट हो रही है, अभी कितने बॉम्ब लगा के चल गया पता नहीं कि कौन है आखिर, ये किसने किया है। चलो उतर के देखते हैं आखिर ये मसला क्या है, आखिर किसने ब्लास्ट किया है समझ के बाहर। अरे ये ट्रक वाला कहाँ घुसा हुआ है, हमारा एक शोरूम पूरा ब्लास्ट हो चुका है। नीलो लेमार भी आ चुका है, मेरी बुगाड़ी भी अंदर थी, बुगाड़ी भी फूट चुकी है, बुगाड़ी भी खराब हो ब्लास्ट हो गई। कितना की लॉस हो चुका है अब फिलहाल, क्योंकि कार्स कितनी की एक्सपेंसिव कार्स रखे हुए थे, हमारी बुगाड़ी सब एक्सपेंसिव। ये किसका कॉल है, 10 महीनों से बात कर लेते खड़ा था कि मुझे कॉल आया है अंडर वाटर माफिया का, और ये ब्लास्ट अंडर वाटर माफिया ने ही कराया है। अब तो मेरा और दिमाग खराब हो गया, अब अंडर वाटर माफिया नहीं बचेगा मुझसे। चलो मैं घर पे जाके प्लान बनाता हूँ और डायरेक्ट अटैक करता हूँ अंडर वाटर माफिया के ऊपर। चलो लेमार और माइकल भाई, चलो माइकल भाई भी ने भी कहा है कि वो भी साथ देंगे मेरा इस लड़ाई में। तो चलते हैं पहले घर पे मेरे, उसके बाद प्लान बनाते हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।